हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन पर। सो आज की स्टूडियो में हम बात करते हैं टर्बोवास 10 टैबलेट के बारे में। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बात करते हैं टर्बोवास 10 टैबलेट के बारे में। टर्बोवास 10 एक माइक्रो लैब्स फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जो कि नामचीन कंपनी है जो बहुत ही सारे एलोपैथिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। टर्बोवास 10 का स्टेप 15 गोले का स्टेप आता है जिसकी MRP 193 रुपए के समथिंग होती है, यानी 193। अब हम इसके यूज के बारे में बात करें तो टर्बोवास 10 में 10 mg ड्रग होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल का काम करता है। टर्बोवास 10 टेबलेट स्टेटिन नामक दवाओं के समूह से संबंधित है। इसका इस्तेमाल बॉडी में होने वाले कोलेस्ट्रॉल को घटाने और हृदय रोग को जोखिम को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल एक वसा पदार्थ है जो आपके ब्लड वाहिकाओं में बनता है। इसे संकुचन होता है जिसे हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है, यानी हार्ट की बीमारी हो सकती है। इसलिए टोसुवास्टेटिन 10 mg आपकी बॉडी के अंदर जाकर ब्लड के सर्कुलेशन को सही नियंत्रित करता है। टर्बोवास 10 व्यापक रूप से निर्धारित की जाने वाली दवा है। इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित माना जाता है। इसे भोजन के साथ या खाली पेट भी लिया जा सकता है। आप दिन के किसी भी समय इसे ले सकते हैं, लेकिन प्रत्येक दिन इसे एक ही समय पर लेने की कोशिश करें। उच्च कोलेस्ट्रॉल वाले अधिकांश लोग बीमार महसूस नहीं करते, लेकिन दवा को रोकने के लिए आपकी कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है जिससे आपकी स्थिति खराब हो सकती है और हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए इसका डोज नहीं छोड़े। टर्बोवास 10 एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन द्वारा लिखा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है जिसे आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी ले सकते हो। टर्बोवास 10 एक कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए ये दवा बहुत ही फायदेमंद होती है। टर्बोवास 10 टेबलेट के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे कि पेट में गैस बनना, चक्कर आना, भूखने लगना, चिड़चिड़ापन आदि। टर्बोवास 10 का नॉर्मल डोज दिन में 2 बार होता है। अगर पेशेंट की हालत ज़्यादा खराब हो गए तो इसका डॉक्टर डोज 2 बार भी लिखता है, अमुक बार एक ही समय लिखता है, जो आप खाने के बाद भी ले सकते हो और खाने के पहले भी ले सकते हो। पर अच्छा होगा कि आप एक ही समय शेड्यूल बनाकर इसका डोज ले लें। टर्बोवास 10 का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो। थैंक यू दोस्तों।